शैतान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 10 क्लास का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसको पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उसके बाद हमने फैक्टराइज करना है। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी 12x(x+1)। इसे आपने मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, इधर आ जाएगा जी 12x(x+1) x+1/x प्लस 12x(x+1) x/x+1 इक्वल टू 12x(x+1) (25/12)। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये भी कट गया और बाकी आपके पास वैल्यू क्या आई, यहाँ पे आ गया जी 12x+1 का होल स्क्वायर प्लस इधर आ गया 12x2 और इधर आ गया आपके पास 25x(x+1)। ठीक है जी, अब इसका स्क्वायर खोल लें, 12x2+1+2x प्लस 12x2 इक्वल टू 25x2+25x और इधर 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 12x2+12+24x+12x2 इक्वल टू 25x2+25x। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे ये 12x2, ये 12x2 ये हो गया आपके पास 24x2, 24x2+24x+12 इक्वल टू 25x2+25x। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 24x छोटा है और 25x की वैल्यू बड़ी है तो आपने छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25x2 फिर -24x2+25x, इधर बड़ा है और ये 24x इधर छोटा है तो ये भी इधर आगे माइनस का हो गया -24x और प्लस का 12 इधर आगे माइनस का 12 हो गया, इधर वैल्यू आपके पास आ गई 0। बाकी वैल्यू आपके पास क्या बची, 25 में से 24 निकालें तो x2, 25 में से ये निकालें तो आपके पास इधर आ गया x-12। अब आपने क्या करना है, सेम जो आपको मैंने फैक्टराइज का मेथड बताया है इसमें आपने क्या करना है, आपने कांस्टेंट को और x2 वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो इसके पेयर बनेंगे 4 और 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 = x2+4x - 3x - 12। तो यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों में से कॉमन x + 4, इन दोनों से -3x + 4, सब में से कॉमन x + 4, पीछे क्या बचा x - 3। आइदर और कर लें, यहाँ पे आ गया x + 4 = 0, x - 3 = 0, x = आ गया -4 और इधर आ गया x = 3। तो याद रखिए सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखें ताकि आपको नंबर जो है आपको पूरे मिल सकें, सॉल्यूशन सेट के नंबर जो है वो काट लेते हैं। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन समझ ना आया हो तो फिर भी मेरे से आप, मेरा नंबर व्हाट्सएप का है, मैंने मेंशन किया हुआ है तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जिसको कोई समझ ना आई हो किसी बात की तो वो मेरे से इस नंबर पे भी रब्ता कर सकता है। थैंक यू।